उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव फिलहाल टाल दिया गया है। जहां 9 अन्य सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर सियासी माहौल गर्माने की संभावना है। आइए बताते हैं कि निर्वाचन आयोग ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा क्यों नहीं की। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने 2022 में पिटीशन दायर किया था। उन्होंने इस सीट से चुनाव जीतने वाले सपा विधायक अवधेश प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। यही कारण है कि निर्वाचन आयोग ने मिल्कीपुर पर विधानसभा उपचुनाव को टाल दिया है। यहाँ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान आने वाले समय में कभी भी किया जा सकता है।